इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। आज का अहम मौजू क्या? सुप्रीम कोर्ट अपना वकार खो रही है। किसानों को लेकर किसान एहतजाज नतीजकन मोड़ पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर सख्त अल्फाजों में तंज करते हुए कहा कि सरकार ने किसान कानून को लेकर संजीदगी नहीं बरती है और एहतजाज पर काफ़ी देर लगा दी। अदालत का यह भी कहना है कि किसान बिल को लेकर कमेटी का कायम करे। आखिर किसान कानून को लेकर मोदी हुकूमत क्यों अड़ी हुई है, ऐसा सवाल भी किया गया। वही दूसरी ओर किसान अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं। इनका कहना यह है कि जब से मोदी सरकार आई हुई है, अदालत भी इन्हीं के दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं, लिहाजा कानून पर सिर्फ रोक लगाने से एहतजाज वापस नहीं लिया जाएगा बल्कि किसी हाल में इन्हें रद्द करना होगा। पिछले 50 दिनों से किसान एहतजाज जारी है और कई किसानों की यहाँ पर मौत भी हुई है। कई इल्मी दानिशों का भी यह कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट मोदी हुकूमत में फैसले बदल रही है। जब किसान बिल को मंजूरी दी गई और बतौर कानून को मंजूरी भी अता की गई, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हमने कानून के अमल करने पर रोक लगा दी है। सरकार वकील हरीश सालवे का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैसले से सरकार झुक जाए या फिर किसान अदालत में जीत जाने का पैगाम ना चला जाए। इससे पहले भी माननीय गृह मंत्री ने केरला के सबरीमाला मंदिर को लेकर कहा था कि सरकार और कोर्ट को ऐसा फैसला करना चाहिए कि लोगों को मानना चाहिए, ना कि आवाम के जज्बात को तोड़ने वाला। अब जब इनकी मुकम्मल हुकूमत है तो इन्हें आवाम के हक में फैसला देने की बजाय सरकार के झुकने की फिक्र हो रही है। कहने का मतलब, सरकारी वकील को किसानों की परेशानी 50 दिनों से एहतजाज और एहतजाज में मरते किसानों से भी ज्यादा फिक्र कहीं सरकार ना झुक जाए की हो रही है। तभी तो 50 दिनों से अपने तकबुरी के लहजे में सरकार सिर्फ चर्चा करने के नौटंकी ही कर रही थी। सवाल यह भी उठता है कि आखिर किसान बिल की इतनी जरूरत क्या थी और किसे पूछकर इसे मंजूरी दी गई। अब जब किसान 26 जनवरी के परेड में दाखिल होने की धमकी दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर फैसले देने पर राजी हुई और मरकजी हुकूमत को सही तरीके से एहतजाज को न सुलझाने का मशवरा दे रही है। जब कानून बनाया जाता है तो वापिस नहीं लेने की बात भी कही जाती है, पर ऐसे कई मामले हैं जिसमें कानून को वापिस भी लिया गया। इससे पहले कानूनों को तरमीम भी किया गया, ठंडे बक्से में भी डाला गया और कुछ वापिस भी ले गया। अगर सिर्फ मोदी हुकूमत की ही बात करें तो ऐसे कई बिल है जिन्हें वापिस लिया गया। होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल इसी मोदी सरकार ने मई 2018 में लाया गया था, बाद में इसे विड्रॉ किया गया। क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस बिल भी 2018 में मंजूर किया गया। अस्मत रेजी मामले को लेकर यह बिल पास किया गया था, इसमें कई प्राविधान थे, इसे लैप्स होने दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ को भी वापस लिया गया, इससे पहले भी टाड़ा जैसे कानून को वापस लिया गया था। कई कानूनों को रिपील भी किया गया, पर अब इसे वापस लेने में मोदी सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं सरकार झुक गई का पैगाम आमना हो जाए ताकि इसके आगे यही चलता रहे। अब इस सरकार को क्या कहा जाए? किसानों ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा न होने की बात कही और कहा कि अब अदालतों पर भी भरोसा नहीं रहा। किसान सिर्फ कानून को रद्द करना चाहता है, एहतजाज आज भी जारी है और शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी आवाम को भरोसा नहीं रहा। मोदी सरकार में अदालत पर से भी भरोसा उठ रहा है क्या? इस तरह के सवाल आवाम करना शुरू कर रही। रियासत कर्नाटक में किसानों के एहतजाज को हिमायत देने की बात कही जा रही है। हाल ही में हुबली में किसानों के काले कानून की मंजूरी के खिलाफ 20 जनवरी को चलो राजभवन तहरीक छेड़ी जाएगी, ऐसा पार्टी रियासत सदर डीके शिव कुमार ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि प्रेम पार्क से राजभवन रैली निकाली जाएगी जिसमें रियासत के तमाम बुजुर्ग कैद और कांग्रेस कारकुनान शरीक होंगे। 2021 का साल कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा ही संघर्ष का साल रहेगा, लिहाजा पंचायत कारपोरेशन चुनाव में सीधे अर्ज दाखिल करने के बजाय उम्मीदवारों की अर्जियां मंगवाई जाएंगी। उम्मीदवारों की काबिलियत तजुर्बा को परखा जाएगा। साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने कहा कि बीएस येडियुरप्पा बहुत कम अरसे तक वजीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, यह बात आरएसएस और भाजपा के लोगों ने ही मुझे दिया है। सका मौजूदा येडियुरप्पा हुकूमत को आवाम ने नहीं बल्कि पैसे के बलबूते पर बनी है और ये सरकार पैसे के बलबूते पर चल रही है। हुकूमत जाए या न जाए पर मुख्यमंत्री तो जाएगा, ऐसा कहा वजीर आजम मोदी। कर्नाटक की पहले की हुकूमत को 10% कमीशन की हुकूमत कह रहे थे,
और तंज किया करते थे जबकि कांग्रेस हुकूमत में एक भी घोटाला नहीं हुआ, पर अब 30% की सरकार है, जब तक रिश्वत नहीं देते तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती, ऐसा इल्जाम भी सिद्धरमैया ने लगाया। बीमारी, किसी तरह की वबा का अंदेशा या खबर हासिल होती है तो पहले नजर बिचारी मुर्गियों पर ही जाती है। कोरोना के वक्त में भी हमने देखा था कि चिकन का कारोबार तकरीबन ठप होने की कगार पर पहुंच चुका था। 50 रुपए में 2 मुर्गियां तो कहीं पर तो मुफ्त में ही मुर्गियां दी जा रही थी। लिहाजा एक बार फिर चिकन कारोबार वालों के दिल की धड़कनें तेज होने लगी है, क्योंकि एक बार फिर बर्ड फ्लू की दस्तक सुनाई दे रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक केरल के बाद महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू के मरीज पाए जाने से डीसी बेलगाम ने हाई अलर्ट की बात कही है। मुख्तलिफ जगहों पर बर्ड फ्लू की चेकिंग के नाके खड़े किए जा रहे हैं ताकि महाराष्ट्र से बेलगाम में दाखिल होने वाली पोल्ट्री की गाड़ियों की सही तफ्तीश की जाए और तफ्तीश के बाद ही बेलगाम में दाखिला दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुरुम्बा गांव की पोल्ट्री में बर्ड फ्लू पाए जाने से गांव के तमाम मुर्गियों को मारने का हुक्म हुकूमत की जानिब से दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पूरी तरह से चौकन्ना हुआ है, क्योंकि बेलगाम में महाराष्ट्र चिकन बड़े पैमाने पर दाखिल होता है। बेलगाम शहर और अतराफ में बड़े पैमाने पर चिकन को खाया भी जाता है। बर्ड फ्लू से अचानक खरीदो फरोख्त में गिरावट आई हुई है, लिहाजा 140 रुपए किलो तक चिकन पहुंच चुका है। वैसे सर्दी के दौरान चिकन अंडों का भाव काफी बढ़ जाता है, पर इस बार बर्ड फ्लू की अफवाहों ने बाजार पर असर कर दिया है। कोरोना के दौर में मुश्किलों से गुजरा हुआ यह कारोबार अब कहीं रफ्तार पकड़ ही रहा था, फिर बर्ड फ्लू की अफवाहों ने फिर इसे धीमा कर दिया है। किसी तरह ना डरने की बात एनिमल हस्बेंड्री और चिकन कारोबारियों की जानिब से कही जा रही है। कारपोरेशन इंतखाबात की सरगर्मियां वैसे भी जारी है, पर आज भी कई उम्मीदवार ख्वाहिशमंद हजरात तश्वीश में है कि क्या कुछ नया फैसला सुनने में आएगा। हासिल इत्तला के मुताबिक 2018 की वार्ड रचना के मुताबिक ये चुनाव होंगे की बात यकीनी कही जा रही है। लिहाजा रिजर्वेशन को लेकर कैटेगरी को तय होना है, पर पहले वाली ही वार्ड रचना रहेगी ऐसा कहा जा रहा है। बेंगलोर अदालत ने बेलगाम कॉरपोरेशन के मद्देनजर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेलगाम वार्ड रचना को लेकर दिसंबर में ही फैसला दिया गया था, जिसमें 2018 की वार्ड की तामीर 9 कायम रहेगी। 2018 में अदालत ने चुनाव को ही रोक दिया था। इसके बाद 26 सितंबर 2019 को हुकूमत ने एक मेमो दाखिल किया था, लिहाजा पहले ही वार्ड की तामीर 9 पर फैसला हो चुका था। यानी फिर से किसी तरह वार्ड रचना पर रद्द होने की बात ही नहीं आती, सिर्फ वार्डों के रिजर्वेशन को लेकर फैसला होना है। लिहाजा जल्द फैसला आने की बात कही जा रही है। तकरीबन 60 वार्डों में चुनाव होंगे, जिसमें अगर उर्दू कारपोरेटरों की बात कही जाए तो पहले 8 हुआ करते थे, फिर 6 पर आंकड़ा आकर रुका है। जिस तरह से एक वार्ड में 4-4, 5-5 लोग रुकने की जो एक रस्म जारी है बेलगाम शहर में, उसका अगर अंदाजा लगाया जाए तो इस बार 2 या 3 ही हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बार तो और भी घटेंगे क्या, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। खासकर उर्दू वार्डों की खासियत यह रही कि हर कोई लीडर बनना चाहता है, यहाँ तक के जमातों की बात भी ना मानने की बात देखी सुनी जाती है। बेलगाम में वो भी वक्त देखा गया है कि डिप्टी मेयर की कुर्सी पर उर्दू बोलने वाला बैठा करता था, लिहाजा वो दौर तो वापिस नहीं लौट सकता। लिहाजा तादाद और ना घटे इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बेलगाम में मराठी, कन्नड़ और उर्दू बोलने वालों की तादाद काफी है, पर उर्दू वालों का अलमिया यह है कि बजाय बढ़ने के घटते ही जा रहे हैं। अब इसे किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, अवाम को, लीडरों को या जमातों को? खैर, अखलाक समाजी माशी तौर पर पिछड़ता यह समाज आखिर कब संभलेगा, ऐसे हालात आन खड़े हैं। इस तरह की चर्चा भी जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।